सोलन डीएवी स्कूल में एनसीसी परेड का आयोजन किया गया। इस परेड में एमआरए डीएवी स्कूल और गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल के कैडेट्स ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर राजीव ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं उनके साथ कमांडेंट अधिकारी एएस गुमान भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कैडेट्स को अवश्य जानकारी दी और उनका मार्गदर्शन भी किया। सोलन के डीएबी स्कूल में एनसीसी परेड का आयोजन किया गया। इस परेड में एमआरए डीएबी स्कूल और गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल के कैडेट्स ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर राजीव ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं उनके साथ कमांडेंट अधिकारी एएस गुमन भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कैडेट्स को आवश्यक जानकारी दी और उनका मार्गदर्शन भी किया। ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर राजीव ठाकुर ने बताया कि एनसीसी सभी के लिए आवश्यक है, जिससे युवाओं में अनुशासन की भावना आती है। अगर आज का युवा अनुशासन में रहना सीख लेता है तो वह अपने जीवन में सब कुछ पा सकता है। आज जो है मैं पहली बार यहाँ पे सोलन में विजिट करने आया था। डीएवी पब्लिक स्कूल में आने से मुझे बहुत खुशी है। यहाँ के बच्चों से मैं मिला और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्कूल अपने आप में एक बहुत अच्छा है। जब हम इनको देखते हैं बच्चों को बहुत खुशी होती है। जैसे एनसीसी एक प्लेटफॉर्म देता है बच्चों को आगे बढ़ने का और एक डिसिप्लिन लाइफ व्यतीत करने का, उसी की हम जो है ट्रेनिंग इनको देते हैं ताकि वो अपना फ्यूचर में जाके जो है एक अच्छा सेटल होके एक अच्छा सिटीजन इंडिया का बन पाएँ। और साथ साथ में सिर्फ सिटीजन ही नहीं, इस जहाँ पे भी वो रहें उस इलाके की तरक्की करें। उसमें हमको ये सिखलाई देते हैं कि हमें कैसे हरा भरा देश, हमें पेड़ पौधे लगाओ, जल वायु का जो है अच्छा साफ करें, किस तरह से हमें जो है उसका फायदा और किस तरह से हमारी जो ह्यूमैनिटी इन चीजों में अच्छा करने वाली है। मेरा नाम वही। इस मौके पर डीएबी स्कूल की प्रधानाचार्य मासूमा सिंघा ने बताया कि एमआरए डीएबी स्कूल और गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल की छात्राओं ने बेहतर परेड का प्रदर्शन किया, जिसे मुख्य अतिथि द्वारा बेहद सराहा गया। उन्होंने बताया कि सोलन शहर में निजी स्कूलों में अभी तक केवल छात्राओं के लिए ही एनसीसी की सुविधा थी, लेकिन अच्छा प्रदर्शन देखकर मुख्य अतिथि ने ये आश्वासन दिया कि जल्द ही सोलन के निजी स्कूलों में वो छात्रों के लिए भी एनसीसी आरंभ करेंगे। मेरा नाम मासूमा सिंघा है, मैं एमआरए डीएवी पब्लिक स्कूल सोलन की प्रधानाचार्य हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन रहा है। इसमें ब्रिगेडियर राजीव ठाकुर एनसीसी ऑफिस शिमला से हमारे स्कूल में आए। हमारे स्कूल में गुरुकुल स्कूल और डीएवी स्कूल के छात्राओं ने उनके सामने परेड प्रेजेंट करी। सारे एनसीसी कैडेट्स को ब्रिगेडियर साहब ने एड्रेस करा, बच्चों को एनसीसी की इम्पोर्टेंस बताई। उन्होंने एनसीसी से बच्चे जो डिसिप्लिन होते हैं, ना सिर्फ अपनी लाइफ में बल्कि अपनी सोसाइटी में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं, इसके ऊपर बच्चों को थोड़े से बताया। इस तरह के इन बहुत से प्रोग्राम्स एनसीसी हमारे यहाँ करते रहते हैं एंड वी आर रियली लकी दैट इज सोलन टाउन में जितने भी स्कूल्स हैं उसमें एनसीसी कैडेट्स बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। इसी बात को एनसीसी टीम जो कि शिमला से आई थी उन्होंने बहुत ही अप्रिशिएट किया और ये भी हमें आश्वासन दिलाया कि आने वाले टाइम में जल्दी से जल्दी बॉयज़ कैडेट्स को भी चूज़ करा जाएगा, जिससे कि सारे ही स्कूल्स बेनिफिट कर सकें। तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम। फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।